हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईएन क्लासेज। आज हम बात करेंगे जो एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। एसएससी जेई ने अपने नोटिफिकेशन में क्या कहा है, क्या क्या उसने बातें की हैं, उन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपका देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो बताता हूँ, इसमें जो नोट है आपका, एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हो गया, दोनों ही आपका सीबीटी होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही आपका सीबीटी होगा। तो आज मैं बात इसके बताऊंगा कि क्या क्या नोटिफिकेशन में है, और नोटिफिकेशन में आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है भी नहीं, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 26 जुलाई 2023, यानी कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 16 अगस्त 2023 तक ही फॉर्म आपके भरे जाएंगे। यानी 26 जुलाई से स्टार्ट होंगे, 16 अगस्त तक ही भरे जाएंगे। जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है। उसके बाद में अगर हमको भरते टाइम जब हम अपना फॉर्म भर रहे हैं कुछ गलती हो जाती है, तो वो जो विंडो खुलेगी हमारे लिए 17 अगस्त से 18 अगस्त, यानी 17 और 18 तारीख को हमारे लिए करेक्शन खुलेगी। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर वेस्ट एग्जामिनेशन, ये जो पेपर फर्स्ट है हमारा, पेपर फर्स्ट हमारा अक्टूबर 2023 में होगा। और आप लोगों को बताइए होगा, इन्होंने डेट दे दी 10, 11 और 12, 10, 11, 12 अक्टूबर 2023 हमको पहले से ही डेट दे रखी है ये। ठीक, आगे चलते हैं। जिस जिस पेज पे जो बताने लायक मैं बताऊंगा, सबसे पहले हम बात करते हैं बीआरओ की। सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सिविल की है तो हम सिविल की बात करेंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात कर लेंगे, क्योंकि एसएससी जेई तो सही वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले सिविल की अगर मैं बात करूं, तो आपको बीआरओ में अगर जाना है तो आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, प्लस, ये प्लस है इसी में, एंड का मतलब 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियर किसी में भी हो, सिविल के अंदर होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा या डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में। इसकी जो एज होगी वो 30 साल तक है, 30 साल तक का बंदा बीआरओ में फॉर्म भर सकता है। सेम कंडीशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। अगली पोस्ट आती है नंबर 2 पे हमारी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी, नंबर 2 पे सीपीडब्ल्यूडी आती है। सीपीडब्ल्यूडी के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ देखो लिखी नहीं है, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं टेलीग्राम पे, क्वेश्चन करते हैं कि सर डिग्री मान्य नहीं है क्या? नहीं, मैं कहता हूँ डिग्री मान्य है, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जो एज है वो है 32, आपको 32 लास्ट एज है इसमें। यही काम हमारा इलेक्ट्रिकल का है, सीपीडब्ल्यूडी में सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी होती है। थर्ड है हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसे हम सीडब्ल्यूसी कहते हैं। सीडब्ल्यूसी में आपको या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी एज दो 32 है। देखो पिछली बार सीडब्ल्यूसी की वैकेंसी नहीं थी जो 188 है, और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, इस बार एसएससी जेई ने अपनी वैकेंसी भी डिक्लेयर कर दी कि हमारी जो इतनी वैकेंसी है। अगला फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे डिपार्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ये पहली बार जुड़ा हुआ है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बोर्ड पहली बार है, सिविल में वैकेंसी है इसकी। इसमें हमारा डिप्लोमा मांगा हुआ है, और 30 साल तक आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। पांचवा नंबर है फरक्का बैराज प्रोजेक्ट FBP। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में क्या है, आपका सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, अगर आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, 30 साल की आपकी ये एज है। फिर आती है हमारे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जिसे हम MES डिपार्टमेंट बोलते हैं अपना। इसमें या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 ईयर्स का डिप्लोमा प्लस 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स का। देखो आपको एक तो BRO है और प्लस MES, ये 2 वैकेंसी ऐसी हैं, या तो आपके पास BTEC होनी चाहिए BE या BTEC, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ये कहता है BRO MES। और बाकी BRO और MES को छोड़ के जितने भी डिपार्टमेंट है किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है।
अगर मैं बात करता हूँ एमईएस में भी हमको 30 साल चाहिए। देखो अभी तक हमने जो देखा केवल सीपीडब्ल्यूडी कह रहा था कि जो मैक्सिमम एज है हमारे लिए 32 साल चल जाएगी, लेकिन बाकी जितने भी हमने देखे फरक्का हो, चाहे बीआरओ हो, एमईएस हो, सीडब्ल्यूसी हो, जितने भी डिपार्टमेंट है सभी ने कहा कि हमारी जो उम्र है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। अगले चलते हैं, अगला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर पे। हमें अंडमान निकोबार में काम मिलता है, अंडमान लक्षद्वीप में हमारी पोस्टिंग होती है और इसमें हमको डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में होनी चाहिए। इसकी भी एज जो है 30 है, 30 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। अगला अगर मैं 8th ऑप्शन की बात करूँ तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO है। सिविल में या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो आपके पास और 30 साल का जो है मैक्सिमम एज है। इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ये जो है आपकी 8 पोस्ट थी, जैसे इन्होंने सिंबल दिखाया यहाँ, तो जैसे JEC लिख दिया तो सी का मतलब सिविल था, जूनियर इंजीनियर सिविल ये था। मैं केवल जो देखो 76 पेज है, 76 पेज है इसमें, अगर मैं 76 को आपके सामने बता दूं तो मुझे कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो मैं जो आपके काम का पॉइंट है केवल उन्हीं को बताऊंगा, उससे ज़्यादा फालतू चीज़ में बताने का नहीं हूँ। मैंने सारी चीज़ें मुझे देख ली है एक बार, मैंने कैसे कैसे क्या क्या बताना है, देखिए यहाँ भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ वेकेंसी की। मैंने आपको क्या कहा था, सबसे अच्छी बात इस बार SSC जी ने क्या किया, वेकेंसी हमको बता दी है कि किस डिपार्टमेंट में क्या वेकेंसी है। बात करते हैं सबसे पहले BRO की। तो BRO में सिविल की जो है SC में 65 वेकेंसी है, ST में 32 है, 116 OBC के अंदर है, 43 EWS में है, 175 UR में। टोटल जो वेकेंसी है हमारी BRO में 431 वेकेंसी केवल BRO में है। और ये आप लोगों को पता ही होगा जो BRO होता है ये केवल मेल कैंडिडेट को ही देता है, यानी मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला चलते हैं, वही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर मैं बात करता हूँ BRO में तो टोटल 55 वेकेंसी है इसमें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड CPWD। CPWD में जो हमने सोचा था कि लगभग जैसे पिछली बार की तरह वेकेंसी आने के चांस है, लेकिन उतनी वेकेंसी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है। देखो 1000 प्लस वेकेंसी हमारे पास और पिछली बार 229 करके कुछ थी, 3757 था शायद, मुझे एक्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन 29 कुछ थी इतना मुझे याद है। तो ये वेकेंसी फिर भी ठीक है, 1000 प्लस वेकेंसी है आपके पास में, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूँ CPWD की तो सिविल में CPWD की SC पहला ऑप्शन किसका था, ये SC, हाँ तो SC के लिए 78 वेकेंसी है, ST के लिए 35 है, OBC के लिए आपको 32 वेकेंसी है और EWS के लिए 92 हैं और UR के लिए 94 हैं, 194। टोटल 421 वेकेंसी हमारी CPWD के लिए 421 वेकेंसी हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल की बात करूं CPWD में तो हमारे पास 124 वेकेंसी होती हैं, थोड़ी कंपैरिजन में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कम होती है, सिविल में ज़्यादा होकर सी वेकेंसी आपको ये पता ही है। सेकेंड डिपार्टमेंट हो गया। थर्ड डिपार्टमेंट आता हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन CWC। सेंट्रल वाटर कमीशन की सिविल की अगर मैं बात करूं तो SC में 24 वैकेंसी हैं, 10 ST में हैं, OBC में 34 वैकेंसी हैं, EWS में 21 वैकेंसी हैं, जनरल में 99 हैं। टोटल जो वैकेंसी है मेरी CWC के अंदर 188 वैकेंसी हैं। वहीं पर अगर मैं सेंट्रल वाटर कमीशन की मैकेनिकल की बात करता हूं तो टोटल वैकेंसी मेरी 23 होती हैं। फिर हमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ जो गंगा ब्रह्मपुत्र बोर्ड वाला जो था उसमें सिविल की कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी इसमें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये जो है टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव SSC ये कहता है कि हम इन वैकेंसी में कम भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसमें वैकेंसी आ भी सकती है ना भी आ सकती, तो जब है नहीं तो हम ये मान के चलेंगे तो इसके अंदर कोई वैकेंसी है नहीं, इंटीमेटेड वैकेंसी है भी। फिर मैं बात करूंगा फरक्का बैराज प्रोजेक्ट FBP की। इस बार इसमें वैकेंसी आई, पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी। सिविल की अगर मैं बात करूं तो सिविल में SC में 4 हैं, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 6 हैं और EWS के लिए 2 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 2 वैकेंसी हैं। टोटल 15 वैकेंसी हमारी फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में, टोटल 15 वैकेंसी हैं। और वहीं मैं मैकेनिकल की बात करूं तो फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में टोटल 6 वैकेंसी हैं हमारी। फिर हमारा डिपार्टमेंट आता है जो CPWD के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा इसी को बढ़ते हैं, MES को।
एमईएस की अगर मैं बात करता हूँ तो सिविल के अंदर 4 वैकेंसी एससी में दी हैं, 2 वैकेंसी एसटी के हैं, 8 ओबीसी में दी हैं, 3 ईडब्ल्यूएस में है और 12 यूआर के अंदर है, 29 वैकेंसी हैं। कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो शायद एमईएस में वैकेंसी बढ़ेंगी और 29 वैकेंसी बहुत ही कम है, और इसकी जो वैकेंसी घटी मैं कह सकता हूँ कि जो फेस 11 एग्जाम हुआ था, एसएससी ने जो लिया था फेस 11 करके, उसके अंदर 300 कुछ थी वैकेंसी, जहाँ तक मुझे याद है 200 या 300 कुछ थी, तो एमईएस ने अपनी वैकेंसी वहाँ दे दी, तो शायद इसलिए यहाँ वैकेंसी इसकी घट गई है और ये शायद इंक्रीज होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस की अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में केवल 18 वैकेंसी है इनकी। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, अंडमान और निकोबार जो है हमारा लक्षद्वीप में जो अरवर वर्क होते हैं वहाँ जो हमारी ज्वाइनिंग होती है, सिविल के अंदर एससी में कोई वैकेंसी नहीं, एसटी में कोई नहीं, ओबीसी में कोई नहीं, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं, केवल जनरल में 7 वैकेंसी हैं, यानी कि टोटल 7 वैकेंसी हैं, यही एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, यही सभी के लिए वैकेंसी है, क्योंकि जनरल की जो वैकेंसी होती है उस पर एससी वाला भी एलिजिबल है, एसटी वाला भी, ओबीसी वाला भी, ईडब्ल्यूएस वाला भी, सभी के लिए। तो यानी मान के चलो ये 7 वैकेंसी हैं ये सभी कैटेगरी के लिए हैं। वही मैकेनिकल की मैं बात करूं अंडमान वाले की तो वहाँ केवल 1 वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के अंदर है। फिर हमारा जो लास्ट आता है कौन सा था, ये तीसरा सीडब्ल्यूसी हो गया था, फोर्थ हमारा गंगा वाला हो गया, फाइव हमारा परखा प्रोजेक्ट हो गया, सिक्स पे हमारा एमईएस डिपार्टमेंट हो गया, सेवन पे लक्षद्वीप वाला डिपार्टमेंट हो गया, और आठ, यानी कि इस बार जो है हमारे पास 8 डिपार्टमेंट हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं एनटीआरओ, एनटीआरओ में एससी के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक है, यानी कि 2 वैकेंसी एनटीआरओ में हमारे लिए है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस बार जहाँ तक मुझे याद है जो 2022 वाला जो था ना, ये 2022 में शायद 4 वैकेंसी थी, एक ओबीसी में थी, एक ईडब्ल्यूएस में थी और 2 हमारी जनरल में थी, तो 4 थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है, बाकी मैं कन्फर्म नहीं, लेकिन मुझे याद है इतना कि 4 वैकेंसी हमारी थी। तो ये तो बात हुई हमारी वैकेंसी की कि एसएससी ने कितनी वैकेंसी हमको दी है, इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है एनटीआरओ के अंदर और मैकेनिकल में भी 1 है और सिविल में 2 है। अगर मैं बात करूं तो एससी के अंदर टोटल वैकेंसी जो है 206 हैं, 206 हैं, एससी के अंदर 96 हैं, ओबीसी के अंदर 288 हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 121 हैं और जनरल के अंदर 613 हैं। इस बार जो वैकेंसी हैं 1324 हैं, यानी कि 1324 वैकेंसी हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 1324 तो ये हो गई, 8 ये हो गए, 8 ये गए तो 16 ये हो गए और 11 ये हो गए, 6 और 4 10 और 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 1351 आपके पास टोटल वैकेंसी है एस एस सी जेई की, ये पीडब्ल्यू वगैरह जो होते हैं उनके लिए होती है इतनी वाली, टोटल 1351 है आपके पास, 1324 है, 1000 प्लस वैकेंसी है, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत लार्ज नंबर है ये समझो। ये अब तक मैंने क्या बात करी, आपको फॉरम के लिए बात कर ली, फॉरम किस डेट से किस डेट तक है, वैकेंसी की बात कर ली, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा रिजर्वेशन की बात करते हैं, कौन कौन सा रिजर्वेशन है। देखो जो रिजर्वेशन है, एक तो शेड्यूल ट्राइब्स है हमारे पास, शेड्यूल कास्ट है एसटी, शेड्यूल ट्राइब एसटी है, अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी है और एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है। ये 4 जो है हमारी रिजर्वेशन और भी होती है, जैसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी का आ गया है, तो इससे हम ज़्यादा बात नहीं करते, पीडब्ल्यूबीईडी वाले बच्चे होते हैं, लेकिन जो मेजर बच्चे होते हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल, ये 4 होते हैं, लेकिन जनरल जो है इसमें सही फाइट कर सकते हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 4 हमारे जो होते हैं वो रिजर्वेशन वाले होते हैं। अब मैं बात करूंगा आगे, जो केवल पॉइंट ऑफ नी की बात करूंगा, ये हमें दिखाया गया कौन सा कैसे क्या है, आगे चलते हैं। इस फॉरम को आपके नेपाल के भर सकते हैं, नेपाल, भूटान और इंडिया, तीनों कंट्री के हमारे फॉरम भर सकते हैं एसएससी जेई को। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एसटी एसटी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कभी कभी हो जाता है जी बोल नहीं पाती। ओबीसी में जो है रिलैक्सेशन का मतलब होता है, रिलैक्सेशन का मतलब है छूट, यानी कि एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी वालों को 3 साल की, पीडब्ल्यूडी जो अनरिजर्व में आते हैं वो 10 साल की छूट मिलेगी उनको,
पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों को 13 साल की मिलेगी और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों को 15 साल की मिलेगी। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको 3 साल आफ्टर डिडक्शन की बात हमारी मिलेगी आपके काम का नहीं है। मुझे पता है कि किस तरह के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, उसी तरह की मैं जानकारी केवल इस वीडियो में दूंगा। आगे चलते हैं, ये भी ज्यादा वो नहीं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट में लास्ट में दिखा दूंगा, बस आप ये देख लेना। देखो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ईडब्ल्यूएस की आती है, बहुत क्वेश्चन किए थे पिछली बार मुझसे ईडब्ल्यूएस वालों ने, तो मैं आपको सीधा और सीधा बता दूं, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका वैलिड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, और आपका जो बेसिस जो इनकम है वो किसके बेस पे लिखी जानी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23। यानी कि जो आपका ईडब्ल्यूएस है, देखो मैं इसकी शॉर्ट टाइप की ओर डलवा दूंगा, एसएससी 2023 की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा कटवा के डलवाऊंगा, इस वीडियो को बहुत बच्चे होते हैं शॉर्ट टाइप में डलवा दूंगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ एसएससी 2023 के ही है, कोई बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। तो फाइनेंशियल ईयर बैलेट 2023-24 के लिए होना चाहिए आपका ये, और फाइनेंशियल ईयर जो बेस है जो इनकम का, वो हमारा 22-23 के अनुसार होना चाहिए। ये आपका इस तरह से बनना चाहिए, ठीक। अब आगे बात करता हूँ मैं, ये आपके काम का नहीं है, आगे चलते हैं। ये आपका जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं जो विकलांग होते हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है हर घंटे पर, और आपको पता ही है इसमें मुझे बताने की जरूरत है नहीं। देखो इसमें अगर मैं बताऊँ आपको तो एप्लीकेशन में जो है आपका फोटोग्राफ है वो जेपीईजी या जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 केवी के बीच होना चाहिए, उसकी जो डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर का विथ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ये आपका वो है फोटो। अगर मैं बात करता हूँ यही सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर जो है आपका जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 20 केवी का होना चाहिए, और ये जो सिग्नेचर है वो 4 सेंटीमीटर की विथ हो और 2 सेंटीमीटर की हाइट हो, और ये जो है आपका ब्लर नहीं होना चाहिए सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर आपका ब्लर है तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखो इस बार जो फोटो में बहुत से लोगों ने चश्मा डाले थे, अपने चश्मा लगा के ब्लर सिग्नेचर दे दिए, बहुत बच्चों का 2022 में फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ था। तो आपको जो फॉर्म भरने के लिए 2300 घंटे दिए जाएंगे, 26 से लेकर 16 तारीख तक, ये आपके फॉर्म की डेट है। चलो आगे चलते हैं, ये आपके काम का नहीं है। यहाँ हमारा काम है 100 रुपये, यानी कि जो आपकी फीस होगी, जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपये है आपकी। ये मैंने बता दिया जो एप्लीकेशन का जो करेक्शन होगा आपका 17 अगस्त 2023 से लेके 18 अगस्त 2023 तक का होगा। इसको भी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी आपके काम का सबसे इंपॉर्टेंट। देखो ये तो सब आपको पता ही है, आप अगर सीआर रीजन में से फॉर्म डालते हो तो बिहार और उत्तर प्रदेश में आपको जो है आपका सेंटर मिलेगा, ठीक। सीआर रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं, ईस्टर्न रीजन ईआर में अंडमान निकोबार आइलैंड्स झारखंड ओडिशा सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो है हमारे ईआर रीजन के अंदर आते हैं। वही मैं बात करता हूँ कर्नाटक एंड केरल रीजन की, केकेआर रीजन जिसे हम कहते हैं, जिसमें कर्नाटक आता है, केरला आता है और लक्षद्वीप हमारा उसमें आ जाता है। जिसको भी अगर फॉर्म भरना है एमपीआर में मध्य प्रदेश का जो रीजन होता है उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करूँ एनईआर की, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय, आजकल जो शब्द है ना मणिपुर बहुत चुभ रहा है यार हमारे लिए, पता नहीं क्यों मणिपुर देख के मुझे वो वीडियो याद आ जाती है। मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा ये एनईआर के अंदर ही आएंगे, बहुत गलत हुआ मणिपुर में जो भी हुआ, पर वो सरकार के अंदर है, सरकार अपना काम कर रही है, कमेटी वगैरह बनी है उस पर, देखते हैं जो भी होता है क्या होगा। बात करते हैं नॉर्थन रीजन एनआर की, एनआर में दिल्ली राजस्थान और उत्तराखंड आएंगे। देखो जिसको जैसे मान के चलो मैं वेस्ट यूपी में से हूँ कहीं से, जैसे मैं नोएडा से हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नोएडा से नहीं हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है कि मेरे दिल्ली एनसीआर बेस्ट है, तो मैं फॉर्म में जो है दिल्ली एनसीआर यानी एनआर रीजन डालूंगा और उसमें दिल्ली एनसीआर अपना एग्जाम सिटी डाल दूंगा। वहीं अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एनडब्ल्यूआर की, जिसमें छत्तीसगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख और पंजाब हमारा आएगा, और लास्ट जो रीजन है वो साउथर्न रीजन है एसआर, जिसमें हमारा आंध्र प्रदेश आता है, पुडुचेरी तमिलनाडु और तेलंगाना, ये हमारे अंदर आएंगे।
और ये लास्ट है हमारा वेस्टर्न रीजन। अच्छा वेस्टर्न रह गया था डब्ल्यू, और इसमें दादर नगर हवेली आ जाएगी, दमन दीप आ जाएगा, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, ये हमारे एग्जाम सिटी थी। किस रीजन में कौन सा एग्जाम पड़ता है हमारा। अच्छा अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं न्यूज, बहुत बड़ा चेंज किया गया हमारे पेपर, बहुत बड़ा इसे कह देते हैं। अब तक देखो क्या होता था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर होते थे। पेपर फर्स्ट होता था हमारा एमसीक्यू, एमसीक्यू चल कैसे नहीं रहे, पेपर फर्स्ट होता था हमारा एमसीक्यू, पेपर सेकंड डिस्क्रिप्टिव होता था। अब इन्होंने क्या किया, पेपर फर्स्ट की बात करेंगे सबसे पहले हम। पेपर फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी 50 नंबर की और 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर की होगी। जनरल इंजीनियरिंग पार्ट ए में अगर आप सिविल से हैं तो सिविल की आएगी, अगर आप इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल की आएगी, और आप मैकेनिकल के तो मैकेनिकल का आपको पढ़ना है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होंगे। ये जो का तरीका है पेपर फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट इसमें आपको 2 घंटा मिलेंगे, अगर आप पीडब्ल्यूडी वगैरह विकलांग हैं तो 20 मिनट हर एग्जाम हर आवर पे मिलते हैं, मैंने बताया था, तो उनके लिए 2 घंटा 40 मिनट होगी। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहे सर ये तो पुराना ही सिस्टम है, 200 नंबर 200 क्वेश्चन 2 घंटे, ये तो पहले से चलता आ रहा है। भाई आगे देखो, ये आ गया ब्रह्मास्त्र, जो एसएससी ने ब्रह्मास्त्र चला है वो ब्रह्मास्त्र ही है। पहले जो पेपर सेकंड होता था वो होता था डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी पेन पेंसिल ले जाओ और पेपर दो, बढ़िया तरीके से बैठ के आराम से 2 घंटे का टाइम मिलता था। इन्होंने कहा नहीं भाई हम वो नहीं ले रहे, अब हम लेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी एग्जाम लेंगे हम आपका। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का पूछेंगे, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल का पूछेंगे, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का हम पूछेंगे आपसे, ठीक। और उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन हो गया, तो 100 क्वेश्चन 3 नंबर के, 2 घंटा आपको मिलेंगे उसमें, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये पेपर सेकंड है जो हमारा एग्जाम चेंज हो गया, ठीक। ये हमारा इतना था, अब आगे बढ़ते हैं। मैं केवल उन्हीं को पढ़ूंगा जो आपके इंपोर्टेंट है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इसमें, और ये जो क्वेश्चन है बोथ लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। यहां तक कंप्लीट। अब एक और चेंज हुआ इसमें, क्या चेंज हुआ, ये कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में जो आपके पेपर होंगे दोनों, पार्ट 1, 2, 3, 3 पार्ट है ना पेपर फर्स्ट में हमारे, जीके जीएस, रीजनिंग और टेक्निकल, और पार्ट सेकंड, दोनों पार्ट में आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, इक्वल होगी 1/3 की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक जो है हमारी केवल जो नेगेटिव मार्किंग थी वो पेपर फर्स्ट में थी, वो थी 1/4 की, 0.25 की। अब इन्होंने क्या कहा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यानी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ईच रॉन्ग क्वेश्चन पे होगी, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। यहां तक हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, और उन्होंने क्या कहा, कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल कैलकुलेटर, स्लाइड रूल वो ले सकता है, कैलकुलेटर वो ले जा सकता है, लॉगरिथम टेबल ले जा सकता है, स्टिम टेबल ले जा सकता, केवल पेपर सेकंड में। यानी आप स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, लॉगरिथम टेबल, स्टिम टेबल, केवल पेपर सेकंड में आपको ये अलाउ है। दे आर नॉट अलाउड फॉर यूजिंग सच एड्स फॉर पेपर फर्स्ट, यानी पेपर फर्स्ट में अलाउ नहीं है, पेपर सेकंड में अलाउ है। अब इस चीज से हमें एक चीज समझ में आती है कि उन्होंने कैलकुलेटर पेपर सेकंड में अलाउ किया, तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल देंगे, जो अब तक डिस्ट्रैक्ट में नहीं बोला नहीं जा रहा, कभी कभी हो जाता है डिस्ट्रैक्टेड टाइप का जो पेपर होता था आपका, उसमें जो पेपर सेकंड है वो हमारा विस्तृत होता था, चलो हिंदी में बात कर लेते हैं, नहीं बोला, विस्तृत होता था, यानी आपको लिखने पड़ते थे, तो उसमें न्यूमेरिकल भी आती थी।
थ्योरी भी आती थी। अब पेपर सेकंड जो है आपका एमसीक्यू टाइप का होगा, थ्योरी तो इसमें भूल जाओ, थ्योरी तो आनी नहीं है, थ्योरी कैसे लिखोगे आप। अब क्या बचा हमारे पास, इनके पास क्या बचा, न्यूमेरिकल देने, इसलिए इन्होंने कैलकुलेटर अलाउ कर दिया। कैलकुलेटर अलाउ है, इसका मतलब न्यूमेरिकल आएंगे बढ़िया वाले। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एसएससी जेई 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएससी पीवाईक्यू तो लगानी है, अब आपको ईएससी पीवाईक्यू और गेट पीवाईक्यू भी लगाने होंगे। ये मैं आपको सजेशन करूंगा, ये लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल देगा तो वो गेट और ईएससी पर ही पहुंचेगा। इसमें क्या न्यूमेरिकल आते हैं, जिसे एसएससी में न्यूमेरिकल देने होंगे तो वो उसमें दे देगा ना प्री में, तो आपको ये करने पड़ेंगे। अब मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एसएससी की तैयारी कैसे करनी है, और एसएससी के पीवाईक्यू हमारे चैनल पे चल रहे हैं, और जल्दी ही मैं ईएससी और गेट के पीवाईक्यू भी ले आऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या कहता है ये, पेमेंट मैंने बता ही दिया आपको, 100 रुपये आपके लगेंगे। आगे चलो, ये सिलेबस के बारे में बात कर रहा है। पेपर फर्स्ट में आपका सिलेबस क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगी एंड रीजनिंग। रीजनिंग में आप, मैं कह रहा हूँ एसएससी जो भी पूछता है सब पढ़ लो, मैं क्यों आपका टाइम वेस्ट करूँ, अपना भी टाइम वेस्ट करूँ इसे बताने में। चलो एक बार बता भी देता हूँ आपकी इच्छा है तो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के होंगे। टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिकल, नंबर सीरीज, ये सारी चीज जो है आपकी होगी। सिंबल वगैरह और आइडियाज के अनुसार भी क्वेश्चन ही बना सकते हैं। रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बनाएंगे, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशन पे भी बनाएंगे, और एनालिटिकल फंक्शन जो होते हैं अदर उन पे भी क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग के अंदर, इन्होंने ये कहा है। फिर कहते हैं हम आपसे जनरल अवेयरनेस भी पूछेंगे, जिसमें हमारा जो एम होगा, जो क्वेश्चन पूछने का टारगेट होगा, वो जनरल अवेयरनेस में वो एनवायरमेंट से पूछेंगे हम, सोसाइटी से जो क्वेश्चन बनेंगे एप्लीकेशन वो है, हम जो है नॉलेज आपकी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे। ऑल्सो भी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज, करंट इवेंट यानी करंट अफेयर्स, 10 से 11 क्वेश्चन हर साल करंट अफेयर्स के आते हैं, 10 से 15 के बीच इनका नंबर होता है, 10 से लेके 15। आपको बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स कर लेनी है। सच मैटर्स ऑफ एवरीडे, अगर आप कहेंगे करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, देखो रीजनिंग जी के जी आपको मैं बता, देखो टेक्निकल चल ही रहा है पी वाई क्यू, टेक्निकल रीजनिंग और जी के जी एस, ये आपको हम कवर करा देंगे। और करंट का मैं जो है बात करूं करंट की, तो मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा करंट की, और अगर आपको डेली पढ़नी है तो कुमार गौरव सर को आप जानते ही हैं, वहां से आप करंट पढ़ लीजिए। देखो मैं उनमें से नहीं हूँ कि यार मैं अपने चैनल पे किसी और सर का नाम ले रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको पता कुमार सौरभ सर, कुमार गौरव सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर है कुमार गौरव सर, उनसे अच्छा करंट अफेयर्स पूरे YouTube पे कोई नहीं पढ़ा सकता, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं खुद आपको PDF दे दूंगा करंट की, लेकिन मैं कुमार गौरव सर जैसे नहीं दे सकता, मैं खुद कह रहा हूँ, इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक, करंट अफेयर्स को आप यहीं से पढ़ें, जी के जीएससी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी, मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ तो यार नहीं, मैं तो अपने चैनल पर करा दूंगा, जो अच्छा है वो अच्छा है यार, इसमें गलत और सही बताने की क्या जरूरत है। ठीक, आपकी देखो इसमें फिर अगर मैं बात करूँ, इंडिया से क्वेश्चन आएंगे, और इसके जो कंट्री हैं पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्री जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के जो सीन है हमारे पास, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद हम टेक्निकल की बात करेंगे अपनी, टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यानी मैं बात करूंगा सिविल की। पार्ट एक सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स आपका आएगा इसमें, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरीगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और स्ट्रक्चर में जो है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी होगी, आरसीसी डिजाइन होगी, स्टील डिजाइन होगी। आप सोच रहे होंगे सर ये जो
इरिगेशन इंजीनियरिंग लिखी हुई है, हाइड्रोलॉजी तो लिखी हुई नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ हाइड्रोलॉजी इरिगेशन इंजीनियरिंग दोनों आपको पढ़नी है। ऐसा कुछ नहीं छोड़ दो, एसएससी के पीवाईक्यू लगा लो प्री के, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। अब मेन से सीबीटी पहली बार लेंगे, अब पता पड़े किस टाइप का लेंगे, लेकिन मैं कहूंगा ईएससी और गेट के पीवाईक्यू लगा के जाना भाई। इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस ही पढ़ लेना आप लोग, आपके सामने है, और मैकेनिकल वाले पढ़ लेना। अब पेपर सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, हमारा जो चैनल है, अभी तक सिविल इंजीनियरिंग की बात करता, तो मैं उसी को थोड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ। पार्ट ए में सिविल और सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग मटेरियल आएगा, फिजिक्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, क्लासिफिकेशन होगा, उसके टेस्ट ट्यूब जो भी बिल्डिंग मटेरियल में वो है, हमारा एस्टिमेटेड कॉस्टिंग है इसके अंदर, सर्विंग इसके अंदर है, सॉइल मैकेनिक्स इसके अंदर है, जो भी मैं सब्जेक्ट का नाम ले रहा हूँ उसके अंदर जितना ही मटेरियल है, हाइड्रोलिक्स है, इरीगेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि इरीगेशन में से बस डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं, जो भी है सारा पढ़ो। एसएससी सिलेबस तो देता है, लेकिन पता नहीं क्या क्या पूछता आपको पता ही, यानी कि सारी चीज़ पूछता सिलेबस में से, पूछेगा सिलेबस से ही। लेकिन अभी इरीगेशन इंजीनियरिंग देता है, अब मैं आपको सारी चीज़ें इरीगेशन में पढ़ के बताऊँ, क्यों बताऊँ पढ़ के, जो इरीगेशन के अंदर सारी चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, क्यों वीडियो का मुझे टाइम बढ़ाना, मुझे शौक नहीं है वीडियो का टाइम बढ़ाने का। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इसमें है आपका, एनवायरमेंट इसमें आएगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इसमें आएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, आरसीसी इसके अंदर है, और स्टील डिजाइन इसके अंदर है। ये आपका सिविल का था, ये आपका इलेक्ट्रिकल है, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, ये आप पढ़ लेना। ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। ये हमारी जो है सिलेबस के बारे में बात हो गई, ये फॉर्म भरने के बारे में बात है, मैं आगे बताऊंगा फॉर्म भी कैसे भरना है आपको। हाँ देखो एक बार, और इन्होंने इस बार क्या किया था, एसएससी ने इस बार क्या किया, एसएससी जेई 2022 ने, इसलिए जो पोस्ट प्रेफरेंस जो ली थी हमारी हमारी जो पोस्ट प्रेफरेंस ली थी वो ऑनलाइन ली थी, इस बार भी ऑनलाइन लेगा। देखो साफ साफ कह रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहा है, प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन वेबसाइट। ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म से पोस्ट प्रेफरेंस आपकी भरी जाएगी, बिफोर कब भरी जाएगी, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर करने से पहले आपके ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरे जाएंगे, प्रेफरेंस आपकी भरी जाएगी। आगे क्या कहता है ये, फिर ये देखो इसी में मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ रखा है पहले ही, इसने कहा है कि जो भी हमारे जो फॉर्म भरे जाएंगे ऑप्शनल फॉर्म, यानी ऑप्शन जो हम देंगे आपको ऑनलाइन, हम आपको किसी भी डेट 7 से 8 को डेट दी उन्होंने 10 तक, इस डेट के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपका प्रेफरेंस वाला, इन्होंने कोई डेट नहीं दी तभी देंगे ये, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 7 से 10, 7 से 10 के बीच में आपको भरना है, एक बार आपको भरना है, जो आपने एक बार प्रेफरेंस भर दी वही आपकी मान्य होगी और उसे आप चेंज नहीं कर सकते सबमिट करने के बाद। अगर आपके पास 10 तारीख छूट जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा रिजल्ट में। आपको पता है कुछ बच्चों ने इस पर केस कर दिया था एसएससी पे, तारीख खत्म होने के बाद में कि हमको जो प्रेफरेंस पढ़ना है एसएससी ने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, उनको केस चल रहा है अभी। तो आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ने का सिस्टम था इसका। आगे चलते हैं, सिलेक्शन की मैंने बताई थी सिलेबस क्या है, अगर आप जनरल हैं तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 30% है पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो 25% है आपका, और जो भी आपके अदर कैटेगरी है तो उसके लिए 20% है, चाहे एससी हो एसटी हो पीडब्ल्यूडी, इनके लिए 20% मिनिमम मार्क है। देखो फिर ये कहता है नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क कैसे होगा आपका, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में होगा, 2018 का कोई रूल है मैंने तो देखा नहीं, उसके अनुसार ये अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क की बात करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, टाई केसेज ये छोड़ो, के काम की नहीं है ये भी छोड़ो।
इम्पोर्टेंट, चलो छोड़ो ये भी किसी काम, जो काम के मैं उन्हें सारी चीज़ को बता दूंगा। ये नोटिफिकेशन पहले मैंने रीड किया, फिर उसके बाद पढ़ा, नेट नहीं चल रहा यहाँ, नेट ना चलने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया अभी, थोड़ा वीडियो लेट आ सकती है, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा आज। जो फिजिकल लिमिटेशंस हैं वो ये फॉरम है उनके लिए। सर्टिफिकेट पर पर्सन फिर स्पेसिफाइड ही उसके लिए है हमारा, और ये हमारा अलग है, लिस्ट ऑफ यूजिंग स्क्राइब है, ये भी हमारे काम का, मैं जो आपको काम का वही पास्ट फर्स्ट। सबसे पहले जब आप एसएससी जेई में फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले आपको पार्ट फर्स्ट करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, वो मैंने आपको पढ़ाई दी है, चिंता की कोई बात है नहीं आपको। देखो चलो मैं इसका फॉर्म, इन्होंने स्क्रीनशॉट डाल रखे अपने फॉर्म के, वही आपको बता दूंगा क्या क्या करना है, इसको छोड़ो आगे बता दूंगा फॉर्म कैसे भरना है। देखो सबसे पहले हमें बताया फॉर्म कैसे भरना, सबसे पहले हम अपना एसएससी पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए हमारे पास अगर आधार कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता किसी के पास आधार कार्ड है या नहीं है, सभी के पास आधार कार्ड होगा, यस ही करोगे आप, जिसके पास नहीं है वो और भी ऑप्शन है वहाँ कर देगा। आधार कार्ड यस करने के बाद में आपको आधार कार्ड नंबर डालना है अपना, उसके बाद में दोबारा आधार कार्ड अपना नंबर डालना है, उसके बाद में अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं, देखो उसने नो किया था तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएंगे, आपने यस किया तो नहीं आएंगे, नो किया है तो फिर आपके पास ऑप्शन आएंगे। आईडी डालनी है मैंने, ड्राइवर लाइसेंस, पैन कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट आईडी डाल दीजिए, इन्होंने ड्राइवर लाइसेंस डाला है और उसका आईडी का नंबर है। फिर उसके बाद में नेम आता है, जो भी आपका नेम है यहाँ अपना नेम डालेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे, दोबारा अपना नाम डालेंगे। अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो आप यस करेंगे, और चेंज नहीं हुआ तो आप नो करेंगे। चेंज हुआ है तो यस करके अपना चेंज हुआ नाम यहाँ डालेंगे, और नहीं हुआ तो आप नो कर देंगे, इस पर कोई दिक्कत की बात है नहीं। फिर उसके बाद में आता है आपका पिताजी का नाम, पिताजी का नाम डालेंगे, फिर पिताजी का नाम वेरीफाई करें, सॉरी मदर जी का नाम, मंदिर मदर का नाम डालेंगे या पिताजी का या माता जी का नाम डालेंगे। उसके बाद हम माता जी का नाम वेरीफाई करेंगे, अच्छा ये ज़्यादा ऊपर हो गया था कि एक बार में, तभी तो कह रहा हूँ, पिताजी का नाम पहले डाल देंगे फिर वेरीफाई करेंगे, फिर मदर का नाम डालेंगे फिर उसको वेरीफाई करेंगे। आगे चलते हैं, फिर अपने DOB डालेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, फिर हम डालेंगे अपने 10th क्लास की जो भी हमारे पास क्वालिफिकेशन है उसको, 10th का जो एजुकेशन बोर्ड है वो डालेंगे, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिस भी बोर्ड है, CBSE है, NCERT, जो भी है आपका। फिर उसके बाद में अपने दोबारा बोर्ड का नेम डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, और जो भी हाई स्कूल का आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को आप डाल देंगे। इतना करने के बाद में फिर हमारा रोल नंबर डाल वेरीफाई कर देंगे अपना, फिर ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, जो भी आपके पासिंग ईयर है उसको डालेंगे, फिर पासिंग ईयर को वेरीफाई करेंगे, जो भी आपका जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है उसको डालेंगे, मेल है तो मेल करेंगे, फीमेल है तो फीमेल भर देंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। फिर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर आपने केवल डिप्लोमा कर रखा है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो यह डिप्लोमा का ऑप्शन आएगा, वह डिप्लोमा चूज कर देंगे, और अगर आपने ग्रेजुएट हो, बी ई एम बी टेक कर रखा है तो आप जो है ग्रेजुएशन डाल देंगे, अगर आपने एम टेक एम एम ई कर रखा है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डाल देंगे। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर चलता है, जिसको आप पर्सनल नंबर है वही डालेंगे, वही वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जो SSC है मोबाइल नंबर और मेल पर ही अपनी सारी बातें करता है आपसे, जो बात करनी होगी। फिर ईमेल आईडी की अगर मैं बात करूँ तो आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर जहाँ से भी आप हैं, जो भी स्टेट है, UTA परमानेंट, उसको डालेंगे, और यहाँ से हम जो है इसको, अगर आपको कुछ गलत करना है, रिसेट करना है तो रिसेट कर देंगे, और नहीं आपको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में फिर आपकी नेक्स्ट विंडो खुलेगी, इसमें आपको अपनी कैटेगरी डालना है, जनरल हो, EWS हो, OBC, ST, SC, जो भी आपकी कैटेगरी, उसको फिल करेंगे, फिर उस कैटेगरी को वेरीफाई करेंगे। फिर नेशनलिटी डालेंगे, इंडिया के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, क्योंकि तीन इसमें हमें ऑप्शन दिए थे। फिर हम आइडेंटिफाई मार्क कर देंगे, हम जो भी हमारी आइडेंटिफाई हो वो आइडेंटी कर देंगे। अगर आप PWD के अंदर, PWBW जो होता है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो, अगर है तो आप अपने यहाँ आईडी डालोगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, स्टेट या यूटी जो भी आपको वो डाल देंगे। इतना करने के बाद में फिर अपनी स्टेट और यूपी को वेरीफाई करेंगे,
अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यस कर देंगे। जो भी आपने ऊपर डाला होगा सारा का सारा नीचे सेम आ जाएगा, और अगर ये परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप यहाँ नो कर देंगे और नीचे आके अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे। ये सब ऐसे सीन स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, किसी यूट्यूब या किसी उससे नहीं है, ये सब स्क्रीनशॉट जो है आप ये कहो कि मैं भर के दिखाऊं कैसे भरा जाएगा फॉर्म, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा फॉर्म भरते हुए की। ये एसएससी ने अपना स्क्रीनशॉट है या एसएससी एसएससी ने दिए हुए हैं या पीडीएफ में, मैं वो बता रहा हूँ कैसे भरना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप जो है सेव कर दोगे इसको, क्योंकि आपने जो एड्रेस डाला था यस करने के बाद ये सब भर जाएगा अपने आप। सेव करने के बाद में फिर आपके सामने ऐसी विंडो खुलेगी, आई एग्री पे टिक करना और फाइनल सबमिट कर लेना। अब यहाँ ये मत सोचना फाइनल सबमिट होने के बाद में आपका जो फॉर्म जो है सबमिट हो गया, सबमिट नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। आपका केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ही हुआ है केवल। अब SSC आपको आपके ID और पासवर्ड भेजेगा। अब SSC में आप ID और पासवर्ड डालेंगे, पार्ट तो चल गया ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है आपको, ऐसा आएगा आपके सामने, ID पासवर्ड डालोगे इस तरीके से कर, देखो SSC ने साफ साफ लिख दिया, ये रहा स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का स्क्रीनशॉट है। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023, बात करेंगे आगे। अब जो फॉर्म भरेंगे, अब तक हमने रजिस्ट्रेशन किया था केवल SSC की साइट पे, ID पासवर्ड जो है आपको फोन पर भी भेज देगा SSC और मेल पर भी भेजेगा। उसके बाद में आपको फॉर्म भरना, अपना पहले नाम डालेंगे, फिर अगर आपका नाम चेंज है तो उसे डालेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम यहाँ नहीं भरेंगे। और ये आपको भरने की जरूरत नहीं, SSC इसको भर के देगा पहले से ही। क्यों? क्योंकि आपने जो भी OTR किया ना ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वहाँ से भर के होगा, पिता का नाम, माता का नाम, DOB और आपके यहाँ एज आ जाएगी पहले से कितनी है, मेल जो भी आपने कैटेगरी भरी होगी, जो जेंडर भरा होगा कैटेगरी आ जाएगी, जो उसने आपने OTR में भरी होगी, PWD भरा होगा तो आ जाएगा, टाइप आ जाएगा, सिटीजन वगैरह ये सब आ जाएगा जो आपने OTR में भरा था, यहाँ तक ये सब यहाँ तक हो जाएगा। बस आपको इसमें क्या भरना है, चेंज करना सेंटर, आपको सेंटर एक चॉइस फिलिंग करनी है, सेंटर दो सेंटर तीन, जो भी आप लेना चाहते सेंटर वो। एक्स सर्विस मैंने तो यस कर दिया ना, नहीं हो तो नो कर देना। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग भरनी है, डिस्चार्ज वगैरह, लेंथ ऑफ सर्विस कितने साल तक आपने की, और ये सब वही है जो बच्चे मुश्किल नहीं होते, इसको हटाइए। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, ये वो है पोस्ट भरनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ भरनी है, आपके पास क्या है, डिप्लोमा डिग्री है जो भी आप यहाँ भर देंगे, किस स्ट्रीम से हैं, और अगर आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप भर देंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ भरेंगे जो भी है आपके पास में, और जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी जो यहाँ जानकारी देंगे आप। इन्होंने कहा डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर असेसिंग द जॉब अपॉर्चुनिटी टर्म ऑफ ई फिलान, ठीक है, जो भी आप पढ़ लेना आपके सामने है, यस है तो यस कर देंगे, नो हो तो नो कर देंगे। ये भर के देगा पहले से ही, इस तरीके से आपको पैरा जो भर के आ जाएगा। फिर आपको फोटो आपको डालना है, यानी फोटो अपलोड करना है। देखो फोटो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर का चौड़ाई होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सिग्नेचर की मैं बात करूं तो 10 से 20 KB के बीच का सिग्नेचर होना चाहिए, JPEG या JPG का फॉर्मेट होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई होनी चाहिए और 20 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और ये हम अपलोड कर देंगे। और देखो ये बता इन्होंने दिया भी होगा, बता भी देते हैं ये कि किस तरह से फॉर्म, चश्मा वगैरह नहीं लगाना चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये कह रहे हैं जो फोटोग्राफ है आपका पूरा नहीं है चेहरा, फोटोग्राफ आपका 27 अप्रैल 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए। वेट एवर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर, अच्छा 27 अप्रैल 2023, यस और नो आप जैसा भी ऐसे कर देंगे, ये इंट्रक्शन है आप पढ़ लेना। उसके बाद में आई एग्री पे टिक मार देना, ये जो आपको कोड दिख रहा है इसको यहाँ फिल कर देना, और उसके बाद में अगर आपको रिसेट करके दोबारा बनना तो रिसेट कर देना, क्लोज आप करोगे नहीं इसका भी कोई काम नहीं। अगर आप प्रीव्यू दो, सबसे पहले प्रीव्यू करेंगे,
सबसे पहले ऐसा नहीं डायरेक्ट सबमिट, सबमिट का भी ऑप्शन आएगा, करना नहीं, प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद में जितनी भी डिटेल आपने भरी थी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, क्या क्या डिटेल आपने भरी थी। डिटेल भरने के बाद जब आपको लगे सारी डिटेल मेरी सही है तो आप इसको सबमिट कर देना। ये आपका फॉर्म भरने का वो था, फॉर्म भर गया। अब तक मैंने देखो आपको क्या क्या कर दिया, क्या क्या जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक तो आपको मैंने वेकेंसी बता दी, इसमें वेकेंसी कितनी कितने, सबसे पहले तो फॉर्म की डेट, डेट के बारे में बात कर ली, लास्ट डेट वगैरह, वेकेंसी डिपार्टमेंट के बारे में बात कर ली, और रिजर्वेशन के बारे में बात कर ली, एज के बारे में मैंने बात कर ली, सिलेबस के बारे में मैंने बात कर ली, और क्या बच्चा, ये सब मैं बात कर चुका आपको, और ये सब भी मैंने बता दिया। अभी फॉर्म कैसे भरना ये मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए है ये, देखो एससी और एसटी, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या मैं अपने टेलीग्राम लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है चैनल के, वहां इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से आप देख लेना। एससी एसटी वालों का जो सर्टिफिकेट है इस तरीके से होना चाहिए, वो देख रहे हो आप लोग, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आप अलाउ करेंगे वो लोग। फिर बात करेंगे हम ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, ओबीसी का सर्टिफिकेट है ये, इस तरह से ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर हमारे पास आता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए आपके सामने, इस तरह के फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये जो आप बैकग्राउंड में नाम देख रहे होंगे द चैनल का, तो ये जो है मैं वेबसाइट पर गया था, मैंने आप लोगों को बताई थी नेट नहीं आ रहा, जो आप नाम देख रहे होंगे इधर चैनल का, इस बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है सिविल जंक्शन, ये जो नाम देख रहे हैं आप, ये पीडीएफ का क्रेडिट मैं सिविल जंक्शन को ही देता हूँ, क्योंकि मैं जो है वेबसाइट पर गया था एसएससी की पे, वहाँ तक मैंने आपको बताया नेट नहीं चल रहा था मेरा, तो नेट ना चलने की वजह से मुझे मेरी जो है टेलीग्राम पे ये डाउनलोड किसी ने भेजी थी, मेरे स्टूडेंट ने भेजी थी, तो मैंने कहा चलो ये डाउनलोड हो गई थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं ऊपर भी गया छत पे, डाउनलोड नहीं हो रही थी, नेट नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा, एक ही पीडीएफ ही डाउनलोड हो पाई थी, तो मैंने फिर यहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके मैंने लैपटॉप में जो है डाटा केबल के द्वारा लेके आपको वीडियो बनाई, और इस वीडियो को लेट भी हो गया मैं अपलोड करने में, नहीं मैं रात को ही जब भी नोटिफिकेशन आया था मैं तुरंत अपलोड कर देता, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आया मुझे जानकारी हुई और मैंने जो है अपलोड कर दी, क्योंकि मैंने सबसे पहले एसी का नोटिफिकेशन पढ़ा था, तो मैं डाउनलोड हो नहीं रहा था वेबसाइट से, तो आप ये मैं सोचना कि बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड मेरे चैनल का नहीं है, क्रेडिट में पीडीएफ का उनको देता हूँ, जो मेरा नहीं मैं क्यों क्रेडिट लूँ अपना, बेशक मैंने ले सकता था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ एसएससी से रिलेटेड, फॉर्म कब से कब तक रहेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी, देखो स्ट्रीम आपको बताई है सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तीन आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बड़ा इसी चीज़ को मैं ढूंढ रहा था, आप जब एसएससी में फ़ोटो अपलोड करेंगे तो फोटो इस तरीके से होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल फोटो है। आप जब एसएससी में फ़ोटो अपलोड करेंगे तो ये ब्लर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आधा उधा नहीं आना चाहिए, थोड़ी नीचे हो गई, कैप लगा के शाहरुख खान नहीं बनना है कि हम तो शाहरुख खान बनेंगे और कैप लगाएंगे, वहीं आपकी शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही कौन, इस तरह से भी नहीं करना, इतना डार्क भी नहीं होना चाहिए, ये डार्क भी नहीं चलेगा विद गूगल से, यानी चश्मा वगैरह गूगल से नहीं होना चाहिए, देखो उल्टा नहीं होना चाहिए, फोटो तो बढ़िया लेकिन हमने उल्टा लगा दिया, साइड भी फेसिंग कर दी, इन्वर्टेड कर दिया, ये भी नहीं चलेगा, तो ज़्यादा डार्क है ये भी नहीं चलेगा, विद गूगल चश्मा वगैरह लगा के आपको सलमान खान नहीं बनना है, जैसे सलमान खान बना हुआ है तो ये भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपको कोई शादी के लिए आपका फोटो नहीं जा रहा है, ये जो आप पोज देंगे कि लो जी खींच लो हमारा फोटो, फेसिंग साइड में नहीं चलेगा। आप फोटो तो मांग रहे हैं एसएससी इतना बड़ा, आप तूसा दे रहे हो, कैसे ले लेगा, इसको भी कैंसिल करेगा। अब देखो आपने कह दिया सर, आपने यहाँ तो कह दिया सलमान खान बन रहे थे, यहाँ तो मेरी आंखों का चश्मा है ना, अगर आप चश्मा भी लगाते हैं तो चश्मा को हटाइए, फोटो खिंचाइए, उसके बाद आप जो है फोटो को अपलोड कीजिए, आपका जो फोटो है केवल और केवल इस तरीके का फोटो अपलोड होगा। ठीक, आगे चलते हैं, ये मैंने सारी जानकारी आपको दे दी,
कैसे क्या करना है। रिजेक्शन वगैरह, आपका फोटो का रिजेक्शन भी हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे अपनी, ये जो है 76 थे, यहाँ आपकी पीडीएफ खत्म हो गई। एसएससी जेई 2023 ने बस एक ही चीज़ चेंज की है, मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, क्या चेंज किया इसने, एग्जाम पैटर्न। पैटर्न में क्या चेंज किया है, जो पेपर टू था, जो डिस्क्रिप्टिव लेता था पेपर टू, उसको इन्होंने एमसीक्यू टाइप से कर दिया, यानी सीवीटी जो है ये हो गया, कंप्यूटर पे ही एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का होगा। यहाँ मैंने पूरी वीडियो में, मैं आपको इस वीडियो को काट काट के बीच में से अलग अलग डलवा दूंगा यूट्यूब पे। सिलेबस हो गया, पेपर का सिलेबस हो गया, चेंज हो गया, डेट क्या रहेगी, फोटो कैसे डालना है, ई डब्ल्यू एस का मैटर क्या है, ओ बी सी का मैटर क्या है, ये सब मैं अलग अलग डलवा दूंगा काट के, और एक कम्बाइंड ये पूरी वीडियो रहेगी जिसमें पूरी जानकारी आपको रहेगी, यानी इस वीडियो में जो है आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एसएससी की जितनी भी रिलेटेड जानकारी जो आपके काम की है, एसएससी से रिलेटेड जितनी भी आपके काम की जानकारी 2023 की, वो सारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी। मैंने सारी चीज़ पहले नोटिफिकेशन खुद पढ़ा, फिर आपके लिए वीडियो बनाई है। तो चलते हैं, आप लोगों को एसएससी जेई 2023 के लिए मैं पीवाईक्यू चला रहा हूँ पेपर फर्स्ट के, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ लीजिए। बीएमसी आपकी ख़त्म हो चुकी है, सोम आपकी चल रही है, एक दो दिन में ये भी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद मैं सॉइल ला रहा हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन्हीं को पहले मैं ला रहा हूँ, फिर मैं ईएससी और गेट के पीवाईक्यू लाऊंगा मिक्स। और जो है टेस्ट सीरीज भी हमारे चैनल पर आएगी बहुत जल्दी ही, टेस्ट सीरीज मैं नहीं चाहता कि आप उल्टी सीधी टेस्ट सीरीज दें, तो मैं जल्दी टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा, लेकिन पहले आप इनकी बात करें, पहले जो टारगेट है उसे अचीव करें, पीवाईक्यू लगा लें। जब आपको सिलेबस से कंप्लेन नहीं होगा, टेस्ट सीरीज क्या करोगे, लेके खरीद के रखना है क्या, पैसे खर्च करने हैं क्या। मैं उन लोगों में से नहीं जो आपको बिजनेस चलाऊं, मैं केवल आपको यहाँ पढ़ाने आया हूँ, मैं खुद जॉब पे हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज पहली बार बता रहा हूँ मैं कि किसी, अभी तक मैंने बताया नहीं है कि मेरा एक चैनल तो है, ये आपको पता है, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैंने आप लोगों को आज तक जानकारी नहीं दी। डिपार्टमेंट जो है एसएससी ही है मेरा, एसएससी डिपार्टमेंट में मेरी जॉब है, ये मैं बताऊंगा ना कि इस डिपार्टमेंट में क्या है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा कौन सा डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या काम होता है, कैसे होता है। मैं सोचता हूँ इस वीडियो को जो है लास्ट में बनाऊँगा आपको, क्यों आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दे के क्यों आपको डिस्टर्ब करूँ, 2023 का जब लास्ट हो तो आपको पूरी मैं जानकारी दे दूंगा। तो इतना ही है, इसको आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो शेयर करना अपने दोस्तों के पास, सभी जानकारी पहुंच जाए, लाइक कर देना, और जो भी प्रॉब्लम हो कि सर ये कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कमेंट में बता देना, मैंने जो एसएससी ने स्क्रीनशॉट दिए थे उसके अनुसार आपको बता दिए कैसे फॉर्म भरना है। अगर आपको फिर भी नहीं होता तो आप बता देना, मैं किसी का भी स्टूडेंट का एक फॉर्म लूँगा, उसे आपके सामने लाइव भरवा दूंगा, रिकॉर्ड करूँगा वीडियो और भरवा दूंगा उसमें, ठीक। तो चलते हम, आज के लिए इतना ही।